Hi Zainab and welcome to my show. Hi Ifrit, thank you so much for calling me. You're looking amazing. Thank you so much. As always. We're both wearing black. Yes. अच्छा भाई, इस लड़की ने सारे लड़कियों वाले काम छोड़ के खालिस्तन मर्दों वाला प्रोफेशन क्यों अपनाया? That's a good question. I think मुझे शौक था क्रिकेट का और स्पोर्ट्स का, नॉट ओनली जस्ट क्रिकेट. इट्स जस्ट दैट इन आर कंट्री सबसे ज़्यादा लोग देखते ही क्रिकेट है, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स का बचपन से शौक था. सो लाइक आई यूज टू प्ले घर पे व्हाटएवर, बट उससे आई वाज़न्ट रियली ग्रेट एट इट इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट. बट यू न्यू द गेम. आई न्यू द गेम. मेरे एग्जाम्स हो रहे होते थे और मैं एग्जाम्स छोड़ के आई वॉज वॉचिंग पाकिस्तान प्लेइंग बांग्लादेश या पाकिस्तान प्लेइंग लाइक इवन द नॉट सो ग्लैमरस गेम्स सो टू स्पीक व्यूअरशिप वाइज मैं वो भी देख रही होती थी. अच्छा, तो फिर मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया और मतलब मुझे शौक था. बेसिकली आई वॉज ऑलवेज इन टू इट. एंड बाय द वे माई फादर यूज टू प्ले क्रिकेट. उन्होंने रमीज राजा के साथ और उनके साथ खेला हुआ है फर्स्ट क्लास लेवल पर, नेशनल लेवल पर नहीं. तो और अम्मी को भी शौक था. अम्मी को भी क्रिकेट का शौक था बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो पीटीआई ज्वाइन नहीं किया अम्मी ने. आई डोंट नो, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन. सो बट या आई थिंक जब आपका शौक आपका काम बन जाए ना, तो वो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती. अब मैं वो सवाल पूछूंगी जो हर कोई आपसे पूछता है, क्या आपने कभी क्रिकेट खुद खेली? और ना खेलने की वजह से क्या आप जज होती? अब मैंने देखो, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रही मेरी. आई हैवन्ट प्लेड फॉर अ पर्टिकुलर टीम वगैरह उस तरह से. लेकिन हाँ, शुरू में मुझे प्रॉब्लम्स आए थे, यू नो, व्हेन आई डिड जॉइन इन इनिशियली. और तुम यू नो, यू गेट फीडबैक. आप होता है सोशल मीडिया आजकल क्या है, किसी के कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे होते हैं. तो उस वक्त शुरू में बड़ा बैकलैश था कि ये कौन लड़की है जो कि आ गई है एंड यू नो शी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. बट होता ये है कि आप अपने काम से प्रूव करते हो. So the more I got into it, or you know, I've been working in it for the past 5 years, the only way you can silence your critics or anybody who criticizes you is through your work. Through your work, by proving yourself. So aista aista karte karte, you know, people start listening and they're like, "Nahi, actually she knows what she's talking about. It's not like ke TV pe utha ke bas ek ladki ko bitha diya hai, you know, baal bana ke aur makeup laga ke." But I think aapko knowledge hona of whatever your क्राफ्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उसके बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना. तो मुझे ये बताओ कि लड़की तो तुम हो, ऊपर से खूबसूरत भी बहुत हो. अच्छा. तो ये एडवांटेज रहा या डिसएडवांटेज रहा इस फील्ड में औरत होना? मुझे लगता है कि इतने मर्दों में आप स्टैंड आउट भी करते हो, इसलिए फ़ायदा मंद भी हो सकता है. नहीं, आई थिंक एडवांटेज है. आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू लाइक नहीं कोई फ़ायदा नहीं. खूबसूरती एक तरह से, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रही हैं कि डबल एज सॉर्ड भी हो सकती है. बट इफ़ यू आर इन दैट फील्ड वेयर योर फेस इज टॉकिंग टू द पीपल एंड यू आर टॉकिंग सेंस, या सो आई वाज जस्ट गोइंग टू कम टू दैट कि एक ऑब्वियसली एक फर्स्ट इंप्रेशन तो होता है ना कि अच्छा, ओके, दिस पर्सन इज प्रेजेंटेबल, ठीक है. लेकिन उसके बाद इट्स व्हाट यू आर सेइंग. स्पेशली जो लाइक जो मेरी ऑडियंस है वो लोग हैं जो क्रिकेट को समझते हैं. आजकल हर बच्चा, हर लड़की इज़ इनटू सम फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स. बिल्कुल. तो अगर आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, तो कितनी देर आप मतलब एक खूबसूरती को एडमायर करो? धोखा तो नहीं दे सकते. सो यू विल कहीं ना कहीं पीपल विल कैच यू आउट. अच्छा, मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, पूरे अपने करियर में कभी कोई अनकंफर्टेबल मोमेंट आया? कभी किसी क्रिकेटर ने ट्राई टू बी फ्रेश विद यू और प्रपोज्ड यू? बहुत आए. So, क्यों झूठ बोलूं, बहुत आए. डू यू कंसिडर इट अ कॉम्प्लीमेंट या ये एक हरासमेंट भी इसको आप कंसिडर कर सकती? यू आर एट वर्क, यू आर डूइंग योर जॉब एंड पीपल आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. इसमें आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैंडल इट, ठीक है. स्पेशली आई फील कि शुरू में ना, जब लोग समझते हैं कि नई लड़की आई है, सो देर आर ऑलवेज पीपल इन द फील्ड, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे दे आर पीपल हु यू वर्क विद, बिकॉज वी वर्क इन अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, ठीक है. मतलब इर्द गिर्द हमारे, एंड इसमें हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बहुत केसेस हैं, एंड दीज शुड बी हाईलाइटेड.
इवन तुम्हारी बैकग्राउंड, यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेटेड हो, कॉन्फिडेंट हो, इवन अगर आपको भी ये फेस करना पड़ रहा है तो आप सोचो आम लड़कियों के साथ क्या होता है. नहीं, होता है, बिल्कुल होता है. आई एम नॉट डिनाइंग कि ऐसे नहीं होता. मेरे साथ पर्सनली आई डोंट नो, इस किस्म की कोई हरासमेंट नहीं हुई, लाइक यू नो, सो टू स्पीक. वो डिफरेंट लेवल्स पे होती है, बट यस, इफ यू आर सेइंग कि किसी अनकंफर्टेबल, हाँ, अनकंफर्टेबल किया हो, या किसी ने थोड़ी सी लाइक यू वर सेइंग फ्रेश होने की कोशिश की हो, की है, बिल्कुल की है. बहुत से लोगों ने किया, और बहुत से ऐसे लोगों ने किए जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते. हाँ, पीपल फ्रॉम ऑल एजेस. बट वो होता ये है कि लाइक आई सेड, इट्स अबाउट हाउ यू हैंडल इट, यू नो, लाइक यू हैव टू, एक क्रिकेट में टर्म होता है वेल लेफ्ट, ओके, तो व्हेन यू आर लीविंग द बॉल, सो आपको लिटरली जो है ना, यू हैव टू लीव द बाउंसर्स दैट्स कमिंग योर वे, यू हैव टू इग्नोर इट. अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू नो, ऐसे हुआ है कि कभी, बिकॉज आई वर्क इन अ फील्ड जहाँ आपकी कम्युनिकेशन है विद प्लेयर्स व्हाटएवर, तो समटाइम्स दे सेंड यू अ टेक्स्ट एंड आप पढ़ते हो और आप कहते हो कि अच्छा, मतलब आई एम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या हो रहा है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड. लेकिन आप मैसेज क्या देना चाहते हो, जैसे आज आप यहाँ बैठे हो और आपके साथ ये हो चुका है, आप एज अ वर्किंग वुमन, नाउ यू आर मैरिड एज वेल, तो क्या कहना चाहती हो कि ऐसा ना करें तो बेहतर नहीं है? एज एन वो मर्द हजरा, वो मर्द हजरा, बिल्कुल, मैं उनको तो यही कहना चाहती हूँ कि बस कर रहे हैं, यू नो, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल इन व्हाटएवर, बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड जेंडर, इट्स नॉट अबाउट कि जी औरत है, मर्द है, व्हाटएवर, यू नो, यू जस्ट रिस्पेक्ट देम फॉर द पीपल दे आर एंड देयर वर्क. लेकिन मैंने, लाइक आई सेड, इसमें थोड़ा सा आपको भी, आपका भी वो होता है कि आपको भी, आई मीन, अगर आपको एक टेक्स्ट आया है, राइट, आप आगे से जवाब देते हो, तो यू नो, यू आर समटाइम्स ऑल्सो गिविंग, जिसे कहते हैं, अ बेट टू समबडी, कि ठीक है, हाँ, यू नो, सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट. आई एम नॉट हेयर जजिंग समबडी. इफ दैट्स व्हाट यू वांट, तो ठीक है, फिर आप टेक्स्ट कर लो, जो मर्जी आता है अपनी ज़िंदगी में कर लो. लेकिन आई फील लाइक, एट लीस्ट इन माई सिचुएशन, आई फील योर फोकस शुड बी योर वर्क. यानी कि ये लड़ाई वाली कोई बात नहीं, बस जस्ट इग्नोर इट. Yeah, yeah. Unless, unless you feel के repeated कोई है, after saying no, yes, even then. Yes. अगर आपने किसी को, if you have turned somebody down or you try to ignore them and that person is trying to harass you in different ways, then you should. I would speak up in that. मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर कभी होगा, so I am in that stage of my life to pick up the phone and. इग्नोरेंस से काम नहीं चल रहा, बात बहुत, तो ठीक है, एक सुना दो थोड़ी सी. अच्छा जी, अनलकी गर्ल वाला, ये जो तुम्हारे ऊपर एक ठप्पा लगा था, ये जो सेल्फीज खींची थी सब क्रिकेटर्स के साथ, जरा ये स्टोरी तो बताओ. ये स्टोरी बड़े मज़े की स्टोरी है. सो आई वॉज कवरिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी इन इंग्लैंड, जो कि पाकिस्तान बाय द वे जीता था. हमने इंडिया को फाइनल में हराया था, तो और उसमें तुम्हारी सेल्फीज का भी हाथ था. सो मैंने एक दिन, आई वॉज अ फैन ऑफ सम ऑफ द कैप्टन्स ऑफ द टीम. कोहली था, कोहली बेचारे के साथ काफी बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ. और फिर वो एंजेलो मैथ्यूज था श्रीलंकन क्रिकेट टीम का, ए बी डिविलियर्स था. सो मैंने ना एक दिन मैंने एक पिक्चर खिंचवाई, सेल्फी, यू नो, वो गुजर रहा था कोहली, तो मैंने, वो अगले दिन डक पे आउट हो गए. फिर मैंने अगले दिन किसी और के साथ, मुझे अगली मैच था उसमें, वो भी अगले दिन डक पे आउट हो गए. ठीक है, तो इस पूरी, उसके बाद समबडी रोट, फ्रेंड ऑफ माइंड रोट अ ट्वीट कि व्हाट इज दिस, देयर समथिंग, ये जिसके साथ तस्वीर खिंचाती है, इंडियन मीडिया पिक्ड इट अप. उसके बाद उन्होंने जी मुझे पनौती बना दिया. ओके, शी इज अ पनौती. एंड ये ऊपर से वो उन न्यूज में आ रहे हैं, जैना बाबास विराट कोहली की बैड लक गर्ल, जैना, एग्जैक्टली. तो वो इस तरह की, सो इट वाज वेरी फनी, बट सम ऑफ द इंडियन मीडिया डिड टेक इट सीरियसली बाय द वे.
कोई इसको इंटरव्यू ना दे, कोई इसको वो ना कहे, तो वो उनकी असल में न्यूज चल रही थी कौन है ये, यू नो, और जिस तरह आपको पता है वो हर चीज को सेंसेशनलाइज करके वो सुनाते हैं. सो इट वॉज अ फनी इंसिडेंट, बट लाइक आई डोंट, मतलब मुझे इतने लोगों ने इतना कुछ लिखा, मैं तो हंस रही थी. सिंपल सी बात है, आई वाज लाफिंग अबाउट इट बिकॉज़ इट वाज अ मेयर कोइंसिडेंस.